मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी आपको देते हैं। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, सीएम भजनलाल लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक। सांगानेर क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चर्चा, बैठक में कार्यकर्ताओं को सीएम जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज सीएम भजनलाल शर्मा की ये बड़ी बैठक रहने वाली है। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये बैठक रखी गई है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही है। दरअसल आपको बता दें, कार्यकर्ताओं की इस बैठक में जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे सीएम, और सांगानेर क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से सांगानेर क्षेत्र में वोट प्रतिशत किस तरीके से बढ़ाया जाएगा इसको लेकर चर्चा की जाएगी। राजस्थान में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। 12 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी कुछ सीटों पर जीत की उम्मीद लगाए हुए है। देखिए रिपोर्ट। प्रचार का थमा शोर, अब सिर्फ घर घर जनसंपर्क पर जोर। पहले चरण की 12 सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। पहले फेज की 12 सीटों पर इस बार का चुनाव काफी रोचक है। किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहे इलाकों में महिला उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने एक ही तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पहले 5 बार के सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटा और फिर मेघवालों के साथ अरोड़ वंश के मतदाताओं को भी साथ लिया। प्रियंका बैलान का ससुराल अरोड़ वंश समुदाय में है। प्रियंका की सौम्य छवि से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा श्रीगंगानगर के जिला प्रमुख हैं। 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ज्योति मिर्धा लोकसभा के 2 और विधानसभा के 1 चुनाव हार चुकी हैं। लगातार 3 हार के बावजूद इस बार ज्योति को जीत की उम्मीद है। पढ़े लिखे वर्ग में ज्योति खासी लोकप्रिय हैं। हनुमान बेनीवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी होने के कारण बेनीवाल को कांग्रेस के वोट बैंक का भी सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा नागौर में उनकी सक्रियता का लाभ भी उन्हें मिलता रहा है। नागौर में नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। चूरू, देवेंद्र झाझड़िया वर्सेस राहुल कसवा। चूरू में बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया पर दाव खेला है। देवेंद्र खेल के पुराने लेकिन राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के राहुल कसवा से है। राहुल कसवा के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बन गया है। तो चूरू में राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी है। मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। अलवर, भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव। भूपेंद्र पीएम मोदी के नजदीकी मंत्रियों में शुमार है। राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने इलाके में काफी काम भी कराए हैं। भूपेंद्र यादव के लिए अमित शाह